फ्रेंड्स, मैंने अभी एक सुबह में एक व्लॉग डाला है और अभी देखिए सुबह तक बहुत गर्मी थी और अभी देखिए कितना काला हो गया बादल, बारिश होने वाली, हवा चल रहा है बहुत तेज, हवा चल रही है, बारिश स्टार्ट हो गई है। बाहर आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। करीबन 2-3 दिनों के बाद बारिश होगी, बहुत गर्मी थी और सभी अपने घर से बाहर निकल के बैठे हैं। वो देखो, वो आंटी भी अपने घर से निकल के बाहर बैठी हुई है क्योंकि हवा बहुत अच्छा चल रहा है, इतने दिन के बाद चल रहा है इसीलिए। तो गाइस, अभी मैं ऑमलेट बना रही हूँ और ये रात का समय है, रात के हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड ससुर जी बस खाएंगे, माँ नहीं खाएंगी। तो यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च को फ्राई कर लिया मैंने, अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं बताइएगा। मैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बस इसमें नमक डाल दूंगी थोड़ा सा और थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला भी मैंने डाल दिया है। बस इसको थोड़ा सा पका लेते हैं टमाटर, फिर इसमें एग डाल देंगे। तो एग मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे बस। बहुत से लोग इसमें धनिया पत्ती भी डालते हैं बट हमारे यहाँ धनिया पत्ती इतना ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, तो बस ऐसी सिंपल ही खाते हैं, हमारे यहाँ सिंपल ही बनाई हूँ। थोड़ा और पकाते हैं इसको, फिर फाइनल लुक शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो गाइस, ये हमारा रेडी है अंडे का ऑमलेट। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me. तो फ्रेंड्स, ये हमारा रात का डिनर है, ये बरबट्टी आलू की सब्जी, ये ऑमलेट, ये दाल और ये रोटियाँ। ये मेरे ससुर जी की प्लेट है और ये मेरे हस्बैंड की प्लेट है जिसमें बरबट्टी आलू की सब्जी है, रोटियाँ हैं और मछली है, वो दाल नहीं खाते हैं। तो चलो फिर ये दोनों थालियाँ उन्हों को दे के आते हैं, फिर बेटे को खिलाना है, फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी, तब मैं खाऊँगी तब आपसे बात करूँगी, ठीक है। मैच देख रहे हैं, मैच एकदम मैच के लिए पागल है एकदम मैच के लिए पागल है। देखो ये देखो, अभी मैच चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है ना, इंडिया का और इंग्लैंड का। तो इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है इंडिया, तो एकदम मेरे ससुर जी एकदम इंटरेस्ट के साथ देखने बैठ गए हैं और ये जितने भी रात तक चलेगा बैठ के देखेंगे। अभी इंग्लैंड बैटिंग कर रही है और इंडिया बॉलिंग कर रही है, तो वाइट ज्यादा दे रही है मुंह देखो दोनों का और इधर एक जने को मोबाइल में लगा दिए ताकि टीवी मत मंगे वो टीवी में, क्योंकि वो कार्टून देखता है इतने समय, माशा एंड बियर या तो फिर डिज्नी में देखता है मिकी माउस, तो उसको यहाँ मोबाइल में लगा दिए ताकि वो टीवी को ना भागे। और मैं यहाँ बैठ के वेट कर रही थी कि पुराने गाने सुनूंगी, तो पुराने गाने भी नहीं मुझे सुनने को दिए, मैच देख रहे हैं, मैं तो भूल ही गई हूँ टीवी देखना। ये देखो इनका मुंह देख लो कैसे कर रहे अब हस्बैंड से आप लड़ भी सकते हो लेकिन अब ससुर जी को थोड़ी बोलोगे कि नहीं मुझे देखना है और मैच रहता है तो वो तो फिर नहीं देखने देते कुछ भी। तो मैच देख रहे हो अभी मैं भी यहीं बैठ के देख रही हूँ मैच, और सासू माँ चली गई है सोने के लिए। हमारे किचन का जो एग्जॉस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑयल लीकेज कर रहा था, जिस कारण से उसको सफाई करने के लिए एक मैकेनिक को बुलाए हैं, इलेक्ट्रिशियन को। और घर का जो पंखे का रेगुलेटर वगैरह होता है ना, वो भी बहुत ख़राब हो चुका था, तो वो सारी चीज़ें बनाने के लिए भैया आए थे, इलेक्ट्रिशियन हैं, तो इन्हीं से ही एग्जॉस्ट को भी साफ़ करवा ले रहे हैं, क्योंकि ऑयल गिरता है ना तो पूरा टाइल्स गंदा हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा मेरे पुराने व्लॉग में, मैंने एक बार ऊपर चढ़ के उसको साफ़ भी कर रही थी, तो महीने में 2-3 बार साफ़ करना पड़ जाता है।
और आज मैं बना रही थी परवल आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने परवल आलू को बड़े बड़े पीसेस में काट के तेल में पहले फ्राई कर ले रही हूँ, अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ। उसके बाद जो टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट है, उसमें रेगुलर जो मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, ये डाल के इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद जो हमारा फ्राई वाला परवल और आलू है इसमें डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं पकने दूंगी और सूखा सूखा करके रखूंगी। ग्रेवी ज़्यादा नहीं रखूंगी, सूखा बनाऊंगी। और यहाँ साइड में मेरे हस्बैंड के लिए मैं चावल भी बना रही हूँ क्योंकि वो चावल खा के जाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात करने के लिए आई हूँ। आप लोगों के हिसाब से प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब क्या यही होता है कि हम किसी इंसान से 2 महीने 3 महीने या 4 महीने हम उससे प्यार कर ले, उसके बाद हम उसे भूल जाएं? दिखावटी वाला जो प्यार होता है ना, वो बहुत अलग होता है। लोगों को अलग से ही समझ में आ जाता है कि कौन इंसान सच्चा प्यार करता है और कौन दिखावटी वाला प्यार कर रहा है। तो आप लोग जो व्यूअर्स हैं, जो ऐसी यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं जिसको देख के आप लोगों को पता नहीं चलता है कि वो अपने हस्बैंड से सच में प्यार करती है या झूठ में प्यार करती है, या आप लोगों को समझ में नहीं आता क्या उनके वीडियोस को देखने से। मैं आज आप लोगों के सामने एक यूट्यूबर है जिन्होंने आप लोगों के साथ झूठ बोला है और झूठी बातें शेयर की है, उनकी एक सच्चाई आप लोगों के सामने ला रही हूँ। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा क्लिप जो है वो ऐड करूंगी अपने वीडियो में, तो उसको जरूर ध्यान से देखिएगा। उन्होंने आपसे एक झूठ कहा है, उसकी जो सच्चाई है वो सामने ला रही हूँ। इससे पहले भी कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन आप लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। वैसा ही एक और वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप उस वीडियो को से देख के अगर आप सहमत होंगे तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय जरूर बताइएगा। और कुछ ऐसे जरूर होंगे चमचे, उन यूट्यूबर के चमचे जरूर होंगे जो कि अपनी गंदगी करने के लिए जरूर आएंगे। जिनके पास दिमाग तो है नहीं, वो अपने घुटनों से सोचते हैं। उनका जो दिमाग होगा ना, वो घुटनों पे होगा और वो उनके पास सोचने समझने की क्षमता ही नहीं होगी शायद, इसलिए वो ऐसे यूट्यूबर को सपोर्ट करते हैं। तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ ये आप लोग जान ही चुके होंगे, थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आज उनके हस्बैंड की बर्थडे है। 18 अगस्त को उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी। लेकिन अगर आपके फैमिली में अगर किसी फैमिली मेंबर की डेथ होती है, अगर वो आपके हस्बैंड होते हैं या आपका भाई होता है जो आपके बहुत ही ज्यादा दिल के करीब होता है, तो क्या आप उनके बर्थडे से एक दो दिन पहले जाके पोर्टफोलियो करवाते हैं, अपने फोटो खिंचवाते हैं मेकअप करके? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा कर पाएंगे? जो भी उनके व्यूवर्स हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ हुआ होता तो क्या आप ऐसा कर सकते? मैं ये नहीं बोलती हूँ कि उनको सजने संवरने का हक नहीं है, उनको खुश होने का हक नहीं है। वो बिल्कुल खुश हो सकती हैं, बिल्कुल सज संवर सकती हैं, मेकअप कर सकती हैं और अपना जो लाइफ है उसके लिए उसमें आगे बढ़ सकती हैं, चाहे तो दूसरी शादी भी कर सकती हैं। इन सारी चीज़ों में मैं सपोर्ट करती हूँ इन सारी चीज़ों को, क्योंकि मेरे घर में खुद मेरी जो भाभी हैं, जो मेरे भाई हैं, उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। 9 महीने शादी के 9 महीने में ही उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन हमने अपनी भाभी की जो शादी है उनकी दूसरी शादी करवाई, अब वो अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं। तो ये सारी चीजों को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ, लेकिन ये एक लड़की का फैसला होता है कि वो अपने लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहती है, किसी का साथ लेके आगे बढ़ना चाहती है या अपने दम से आगे बढ़ना चाहती है। तो मैं इन सारी चीजों में निधि को सपोर्ट करती हूँ। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि उनका सजना संवरना या लाइफ में आगे बढ़ना गलत है, लेकिन उनके हस्बैंड के डेथ के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले उनका इस तरीके से मेकअप करके फोटो खिंचवाना, पोर्टफोलियो करवाना, ये शायद उनकी जो सासू माँ है वो अगर ये देखेंगी तो उनको बहुत ज्यादा दुख पहुंचेगा। वो तो आज के दिन रो रही होंगी, आंसू बहा रही होंगी, निधि भी रो रही होंगी, उनके दिल में दुख होगा। लेकिन जो वो ये वीडियो अभी पोस्ट की है, उनको शायद ये वीडियो अभी पोस्ट नहीं करना था। अगर वो पोर्टफोलियो के लिए फोटो भेज भी रही हैं तो उनको अपने व्यूअर्स को ये सारी चीजें अभी नहीं दिखानी चाहिए थी, जो कि मुझे सही नहीं लगी। आप लोगों को क्या ये बात सही लगी है या नहीं लगी है, प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे ये नहीं लगता कि उनका पोर्टफोलियो करवाना गलत है, कर सकती हैं वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन जो अभी जिस टाइम पे वो कर रही हैं मुझे ये चीज सही नहीं लगी है। क्योंकि अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ और अभी उनको गए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है मात्र, आज का वो दिन है जिस दिन अगर मेरा कोई अपना जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ वो अगर मेरे से दूर गया है, तो मैं आज के दिन तो एटलीस्ट आज के दिन क्या, आज से एक सप्ताह पहले भी मेरे दिमाग में खाली यही बातें चल रही होंगी कि ऐसा ऐसा सिचुएशन चल रहा था आज से 1 साल पहले, मेरे दिमाग में खाली यही सारी बातें चलती रहती।
लेकिन शायद निधि इन हमारी जैसी लड़कियों में से अलग है, वो पता नहीं उनका प्यार शायद बहुत अलग होगा और उनको ये सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता होगा। वैसे मैं अभी एक वीडियो दिखा रही हूँ, उसको जरूर देखिए, उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। आप लोगों ने देखा ये जो वीडियो क्लिप मैंने जो छोटा सा ऐड किया था, इसमें निधि के हाथ पे दोनों ही हाथों में जो सनी के नाम का जो टैटू है वो नहीं है। और इस वीडियो को, ये शॉर्ट वीडियो है, इसमें उन्होंने डाला था कि उनका ससुराल में उनका जन्मदिन, ऐसे करके उन्होंने टाइटल डाला था। शॉर्ट वीडियो था, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखा भी होगा इस वीडियो को। तो इस वीडियो में ना ही सनी के नाम का टैटू दिख रहा है आप लोगों को, और इससे पहले के भी शॉर्ट वीडियो हैं जिसमें सनी अपने बेटे से फर्स्ट टाइम मिलने के लिए गए थे, उसमें भी निधि ने ना ही अपने पैर में बिछुए पहने हुए थे, ना ही अपने हाथों में टैटू लगवाया हुआ था। तो ये टैटू इतनी जल्दी कहाँ चला गया? शायद सनी के चले जाने के बाद निधि ने अपने हाथों में ये टैटू गुदवाया होगा, और ये परमानेंट टैटू नहीं था होगा, ऐसी जो थोड़े समय के लिए रहता है वही वाला आर्टिफिशियल जो टैटू होता है वही इन्होंने करवाया होगा लोगों को दिखाने के लिए। तो ये क्या करवाना जरूरी था? आप लोगों को निधि के पुराने वीडियो में निधि ने ये भी बोला है कि ये टैटू मैंने अपने सनी के प्यार में गुदवाया था, बहुत प्यार करती थी मैं इसलिए मैंने गुदवाया था, ये वो फलना ढकना पता नहीं क्या क्या। और भी ये भी कहा था कि उनके पापा के हाथ में भी टैटू है, तो उनके पापा के हाथों में जो टैटू है वो परमानेंट होगा, लेकिन निधि के हाथों में जो टैटू था वो परमानेंट नहीं था। अभी के जो फोटोज वो अपने शेयर कर रही हैं के हाथों में वो टैटू नहीं है। जो परमानेंट टैटू होते हैं वो निकल भी जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, लेकिन निधि सनी से इतना ज्यादा प्यार करने का जो दावा करती हैं कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उनको अपना किडनी तक देने के लिए तैयार थी, तो एक साल होने से पहले ही उनका ये टैटू गायब हो गया क्या? क्या ये उनका प्यार है? आप लोग प्लीज इसका जवाब जरूर दीजिएगा। सनी के जाने के बाद उन्होंने ये टैटू लगवाया अपने हाथों पे, और सनी की डेथ हुई थी उस दिन के आने से पहले ही वो टैटू गायब हो गया। तो कैसा ये प्यार है, मुझे तो समझ में ही नहीं आया ये प्यार कैसा था। मैंने तो आज तक ऐसा प्यार कहीं देखा ही नहीं है। रिया रजावत जी को जाकर आप देखिए, वो अपने ससुराल वालों के साथ कितने प्यार से रहती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके ससुराल वाले उनको परेशान नहीं करते हैं और बहुत प्यार से रखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी रिएक्शन वीडियो बनाते हैं और जो निधि के व्यूअर्स हैं उनको ये जाके कमेंट करते हैं कि हम निधि के पीछे पड़े हुए हैं, तो कोई भी किसी के पीछे ऐसे ही नहीं पड़ा रहता है। आप लोगों से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी अपनी आँखें खोलिए और अच्छे से समझिए बात को कि हम लोग किसके ऊपर रिएक्शन वीडियो क्यों बनाते हैं, ताकि आप लोग किसी के झूठ में अपना साथ ना दें, सच्चे लोगों को साथ दें, इसलिए रिएक्शन चैनल वाले अपना रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। प्लीज इस बात को समझिए। तो आशा करती हूँ आज का छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।